पार्टी में पहली बार और आखिरी बार ऋषभ करेगा शैलिन के साथ रोमांटिक डांस और सोनाक्षी प्रीता का खेल हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चलेगी एक सबसे बड़ी चाल और चली जाएगी प्रीता की याददाश्त और उजड़ जाएगी ऋषभ करण की जिंदगी और घर में प्रीता की जगह ले लेगी सोनाक्षी। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में प्रीता करण को गले लगाकर बात करी होगी, तभी सोनाक्षी प्रीता को करण को गले लगाते हुए देख जेलस होगी और इसी बड़ी वजह से सोनाक्षी प्रीता को बदनाम करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए पीहू के जरिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहां पर सोनाक्षी पीहू को पटाखे फोड़ने के लिए कहेगी और जैसे ही पीहू पटाखे फोड़ेगी तब पीहू के नजदीक पटाखा फूटने की वजह से पीहू काफी ज्यादा डर जाएगी और जोर से चिल्लाएगी, जिस वजह से करण, प्रीता और पूरा लूथरा परिवार परेशान होकर पीहू के पास आ जाएगा और पीहू को बचाते बचाते प्रीता का दुपट्टा भी जल जाएगा और पीहू के हादसे का सारा इल्जाम लगाती हुई सोनाक्षी सबके सामने प्रीता को लापरवाह बताती हुई कहेगी कि तुम कहां थी, तुम्हें समझ में नहीं आता कि पीहू को समझाना चाहिए कि पटाखे से दूर रहे और पटाखे ना फोड़े। ये सुनकर प्रीता कहेगी कि मैंने पीहू को कहा था कि पटाखे ना फोड़े, जिसे सुनकर बीच में आकर करीना बुआ गुस्से से प्रीता को कहेगी कि तुम कहाँ थी और तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुमसे तो एक बच्ची नहीं संभाली जाती, कम से कम तुम अपने लिए तो नहीं लेकिन हमारे लिए तो पीहू का ध्यान रख लो। ये सुनकर प्रीता के दिल को काफी बड़ी चोट लगेगी, लेकिन जब पीहू सही सलामत होकर फिर से खेलने लगेगी तभी दिवाली की पार्टी में पहली बार और आखिरी बार ऋषभ शैलिन के साथ रोमांटिक डांस करेगा, जिसके साथ साथ करण प्रीता भी काफी रोमांटिक डांस करेंगे और इसीलिए सोनाक्षी प्रीता का खेल खत्म करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहां पर दिवाली की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद सोनाक्षी सही मौके का फायदा उठाकर पीहू को गायब कर देगी और प्रीता को कहेगी कि पीहू और कहीं नहीं बल्कि घर के पीछे है और इसी वजह से प्रीता पीहू को ढूंढने के लिए सोनाक्षी के कहने पर अकेली घर के पीछे चली जाएगी, जहां पर जब प्रीता पीहू को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होगी और ढूंढ रही होगी तभी सोनाक्षी प्रीता के सर पर जोर से पत्थर का वार कर देगी, जिससे प्रीता को चक्कर आने लगेंगे और उधर ही गिर जाएगी। लेकिन जब सोनाक्षी अचानक से प्रीता के सामने आएगी तब प्रीता के सोनाक्षी को देख होश उड़ जाएंगे और बड़ा खुलासा करती हुई सोनाक्षी प्रीता को कहेगी कि तुम मुझसे मेरे करण को छीनना चाहती थी और मेरी बेटी को मुझसे अलग करना चाहती थी, ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी और कहेगी कि प्रीता तुम्हें पता है कि मैं इस घर में किस लिए आई हूँ, सिर्फ अपने करण के लिए, क्योंकि मैं करण से तब से प्यार करती हूँ जब से वो मुझे कॉलेज में पहले दिन मिला था और करण को हासिल करने के लिए पीहू को इस दुनिया में लाने का मेरा ही प्लान था, लेकिन मेरे डैड की वजह से मेरा सारा प्लान बिगड़ गया और उन्होंने मुझसे पीहू को पूरे 3 साल तक छुपा कर रखा, इसी वजह से मैं करण को हासिल नहीं कर पाई और जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारी शादी करण के साथ हो गई है और मेरी बेटी जिंदा है और अनाथ आश्रम में है, तो मैंने सारा पूरा शादी का प्लान बनाया जहाँ पर तुम सबको शादी में बुलाया। ये सारी असली सच्चाई के बारे में सोनाक्षी के मुँह से सुनकर प्रीता पूरी तरह से हिल जाएगी और बड़े पत्थर से सोनाक्षी आखिर में प्रीता के सर पर वार कर देगी, लेकिन जब गिरीश घर के पीछे आएगा तब प्रीता को खून से लथपथ बेहोश देखेगा, तब तुरंत ऋषभ, करण और पूरे लूथरा परिवार को कहेगा कि प्रीता जी वहाँ घर के पीछे खून से लथपथ बेहोश पड़ी है, जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। यह सुनकर करण ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जब डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज करके करण ऋषभ को बताएंगे कि प्रीता जी को हमने बचा लिया है लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है, तब ऋषभ और करण की जिंदगी उजड़ जाएगी, जिसके बाद सोनाक्षी सिर्फ करीना बुआ की वजह से ले लेगी प्रीता की जगह और प्रीता के साथ बुरा होगा, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और करण प्रीता की जोड़ी आपको कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।